स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध, बेरोजगारी की समस्या। स्टूडेंट, ये निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये निबंध आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूरे के पूरे 9 अंक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस निबंध को लिखते हैं और तैयार कर लेते हैं तो ये आपके 9 अंक कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को यकीन ना हो तो हम आपको दिखा देते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये निबंध पूछा गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है, ये देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या आपको ऑप्शन दिया गया है। मेरी प्रिय पुस्तक पर्यावरण पर दिया गया है, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, और ये देखिए युवा वर्ग और बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको बेरोजगारी का निबंध पूछा गया है। तो यही आज हम आपको बताने वाले हैं, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, बेरोजगारी की समस्या। यहाँ पे आपको हेडिंग ब्लैक पेन से डालनी है। मैंने रेड पेन का यूज़ किया है, लेकिन आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, आपको ब्लैक पेन से डालना है। यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग रेड पेन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ। और अपनी हैंड राइटिंग पर विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, अपनी राइटिंग को जितना हो सके उतना सुधारिए, क्योंकि राइटिंग पे भी अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डालना है बेरोजगारी की समस्या, और इसमें पहला हेडिंग डालना है प्रस्तावना, और इसमें लिखना है आज भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। क्या सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, वो है बेरोजगारी की समस्या। कौन सी समस्या है, वो है बेरोजगारी की समस्या, जो एक चट्टान क्या एक चट्टान बनकर प्रगति का रास्ता रोके खड़ी है। महात्मा गांधी जी ने बेरोजगारी की समस्या को क्या, बेरोजगारी की समस्या को समस्याओं का समस्या कहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि समस्याओं का समस्या। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ब्लैक पेन से लिखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से डाल के ये इन्वर्टेड कामा से बंद कर दीजिएगा, जिससे बोर्ड एग्जामिनर की नज़र आपके निबंध पर जब पड़ेगी तो वो हेड मेन जो आप लोगों ने लिखा होता है उस पर नज़र तुरंत पहुँचेगी, और वो समझ जाएगा कि आप लोग अच्छे से लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रस्तावना में लिखना है। और आगे की नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में आपको डालना है बेरोजगारी का अर्थ। इसमें लिखना है बेरोजगारी का अर्थ है कि योग्यता के अनुसार काम न होना। क्या, योग्यता के अनुसार काम न होना। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की बेरोजगारी होते हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की बेरोजगारियां होती हैं। आइए देख लेते हैं 3 प्रकार की बेरोजगारी को। पहला है जिसके पास आजीविका का कोई साधन, क्या, आजीविका का कोई साधन नहीं है और वे पूरी तरह खाली हाथ बैठे रहे हैं। जिनके पास कोई साधन नहीं है और जो पूरी तरह खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पहला था। और दूसरा है जिनके पास कुछ काम होता है तभी वो क्या करते हैं, समय पर नहीं करते हैं, या काम का साधन समाप्त होते ही वे बेकार हो जाते हैं। काम का साधन खत्म होते ही वो क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। आगे की नेक्स्ट है, तीसरा है जिन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, जैसे कोई बीए करके पकौड़े बेच रहा है। ये भी देखा गया है बेरोजगारी की समस्या में, कि क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। तो ये था हमारा बेरोजगारी का अर्थ। आगे नेक्स्ट देखते हैं बेरोजगारी के कारण। ठीक है, बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं ये भी देख लेते हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा क्या, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जन विस्फोट। क्या, जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ा कारण है। इस देश में रोजगार देने की जितनी योजनाएं बनती हैं वे सब अत्यधिक जनसंख्या के कारण, अत्यधिक जनसंख्या के कारण, हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या है इसलिए अत्यधिक जनसंख्या के कारण बेकार हो जाती हैं। जैसे एक कहावत है, ठीक है, जैसे एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, इसको भी आप लोग ब्लैक पेन से लिखेगा। ये कहावत है एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ है कि योजना बनती है एक और बेरोजगार हैं अनेक। योजनाएं तो एक बनती हैं लेकिन बेरोजगार कितने लोग हैं, अनेक हैं। तो ठीक, यही कारण है कि काम एक है लेकिन करने वाले अनेक हैं। तो यही बात है कि एक अनार 100 बीमार। ठीक है, ऐसे में
एक योजना से इतनी सारी बेरोजगारी को ख़त्म करना असंभव है। ये सही बात है, इतनी सारी जनसंख्या है तो एक रोजगार से कैसे हो सकता है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बेरोजगारी का दूसरा कारण है युवकों की बापूगिरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई नौ युवक जींस पैंट जूता मोजा चढ़ा कर इधर से उधर बेवजह की बातें करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। क्या करते हैं? बेवजह की बातें करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। खुद के रोजगारी का जिम्मेदार हैं वो, खुद की बेरोजगारी का जिम्मेदार होते हैं। फालतू का इधर से उधर घूमेंगे और फालतू की बातें करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, तो ये खुद के भी जिम्मेदार होते हैं बेरोजगारी के। आजकल के युवक हाथ का काम करने से अपना अपमान समझते हैं। आजकल के युवक जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जेब में एक रुपये है नहीं लेकिन अपने आप को बापूगिरी दिखाते हैं। तो यही बात है, जेब में जब पैसा होता है तो बापूगिरी भी दिखाना अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमारा है, आगे का नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा कारण है गलत गलत योजनाएं। तीसरा कारण क्या है? गलत गलत योजनाएं। सरकार को चाहिए कि वे लघु उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या दें? प्रोत्साहन दे। हमारी दृष्टि से सबसे बड़ा रोजगारी का कारण है कंप्यूटर और मोबाइल। अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल चालू करते हैं तो वो बेवजह प्रत्येक दिन का समय दुरुपयोग करते हैं। इससे और भी ज़्यादा बेरोजगारी पैदा होती जा रही है। इसीलिए गांधी जी ने मशीनों का पहले ही विरोध किया था। आगे देखेंगे, आगे की नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दुष्परिणाम में देख लेते हैं। रोजगारी के दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता जा रहा है। रोजगारी के जो दुष्परिणाम है वो बहुत ही भयंकर होते जा रहे हैं। इतना भयंकर होता जा रहा है कि इसमें एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। इसको भी आप लोग ब्लैक पेन से डालिएगा। ठीक है, बेरोजगार युवक कुछ भी गलत कदम उठाने को तैयार हो जाता है। मतलब जो बेरोजगार होते हैं वो कुछ भी कदम उठाने से कतराते नहीं हैं, कुछ भी गलत काम कर देते हैं। वही शांति को भंग करने में सबसे आगे रहता है। जो नौ युवक होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, वो कोई भी गलत काम करने से कतराते नहीं हैं। जैसे ड्रग्स का काम हो गया, ये तमाम प्रकार की जो सही चीज़ें नहीं हैं वो लोग करने लगते हैं। और भी फालतू की चीज़ें हैं जो लोग बेरोजगार जो होते हैं वो गलत काम करने से कतराते नहीं हैं और कर लेते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं और अपने आप को असंतुष्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे की नेक्स्ट हेडिंग है समाधान। ये हमारी लास्ट हेडिंग है। इसमें आपको लिखना है, बेरोजगारी का समाधान तभी हो सकता है जब जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब जनसंख्या पर रोक लगाई जाएगी तभी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। और जनसंख्या में रोक लगाने के लिए सबसे पहले एक बच्चा सबसे अच्छा या हम दो हमारे दो का नारेबाजी करके या जुलूस निकाल कर ग्रामीणों को जागरूक करें। ठीक है, हमें ये नारा लगाना चाहिए कि एक बच्चा सबसे अच्छा या हम दो हमारे दो, ये नारा लगाना चाहिए। जनसंख्या जब तक कम नहीं होगी, बेरोजगारी का समस्या ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो जनसंख्या पर भी निरंतर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा बेरोजगारी समस्या का समाधान कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप लोग निबंध लिखिएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सकेंगे। और अपनी राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।